तो दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस वाटर रिपेलेंट टी शर्ट के, जिसमें लोग पानी डालते हैं, थम्सअप डालते हैं और पानी थम्सअप निकल जाता है। ठीक है, बहुत सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी भी इसके ऊपर पूरा बिलीव नहीं है। तो हे दोस्तों, आप लोग देखें वी फॉर वोटर्स, और आज के वीडियो में हम लोग इस ट्रम्प्स कंपनी की वाटर रिपेलेंट टी शर्ट को अच्छी तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। मुझे शक यहाँ पे एक बात का है, चलो मान लेता हूँ ये टी शर्ट वाटर रिपेलेंट है, नई नई आती है वो सब चीज़ों को अपने से रिपेल कर देती है, लेकिन क्या ये धोने के बाद भी वैसे ही काम करेगी जैसे नई टी शर्ट काम करती है? तो आप समझ गए ना आप लोग। पहले तो मैं इसे बिल्कुल नई टी शर्ट को चेक करूँगा अच्छे तरीके से किस किस चीज़ से। देखो यहाँ पे मेरे पास है सब्जी, चाय, चिली सॉस, टमाटो सॉस, थम्स अप, रेड चिली सॉस और फ्रूटी। तो भाई इन सारी चीज़ों से तो मैं इस टी शर्ट को चेक करूँगा ही करूँगा, ताकि हमें असलियत में मालूम चले कि भाई वाकई में एक टी शर्ट कितनी अच्छी तरीके से वाटर रिपेलेंट है। शायद ही किसी और ने इन सारी चीज़ों से इस टी शर्ट को चेक करके दिखाया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक नॉर्मल टी शर्ट लूँगा, उसमें ये सब कुछ डालूंगा और दाग लगाऊंगा कि देखूंगा कि नॉर्मल टी शर्ट के साथ इन सबका बिहेवियर कैसा रहता है। उसके बाद मैं इसके साथ करूँगा और उसके बाद मैं फिर से इसे धोने के बाद सब कुछ डालूंगा और फाइनली हम लोग जान जाएंगे कि भाई ये टी शर्ट आखिरकार वाकई में कैसी है। वैसे बहुत महंगी, 800 रुपये की है। तो चलिए आज की जबरदस्त टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और भाई दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो ये टी शर्ट मैंने मंगाई ट्रम्प्स कंपनी की तरफ से, भाई काफ़ी महंगी है, 800 रुपये की टी शर्ट मायने लगती है। और देखते हैं छूने में कैसी लगती है। तो छूने में बिल्कुल एक नॉर्मल सा कॉटन ही लग रहा है, बाकी का इसकी MRP मैं आपको पास आके दिखाता हूँ। तो इसके टैग में इसकी MRP लिखी हुई है और इसके कॉलर में ही इसके फीचर लिखे हुए हैं, स्टेन रेजिस्टेंट और एंटी ऑडर। तो सबसे पहले इस महंगी टी शर्ट पर ये सारी चीज़ें गिराने से पहले हम लोग ये सारी चीज़ें गिराते हैं एक सस्ती 100 रुपये वाली टी शर्ट में, ताकि पता तो चले कि डिफरेंस कितना है इस महंगी टी शर्ट का। दोस्तों लेकिन 200 रुपये वाली टी शर्ट में एक दिक्कत है, वो सामने से प्रिंटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे टेस्टिंग ही तो करना है। हम लोग इसे थोड़ी देर के उल्टा पहन लेंगे, पीछे तो सफ़ेद है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल टी शर्ट में हम लोग गिराएंगे पानी। ओहो तुरंत भीग गई। अब गिराने वाले हैं थम्स अप। अब गिराने वाले हैं इस पे हम लोग सोया सॉस, देखते हैं क्या होता है। और भाई ओहो दाग लग गया अच्छा खासा। तो अब हम लोग गिराने वाले हैं फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी, फ्रूट एंड जूसी। ओहो इसका भी दाग लग ही गया। अब गिराने वाले हैं इसके ऊपर हम लोग चिली सॉस। ओ भाई ये गया, ओ हो ये देखो। तो अब हम लोग गिराने वाले हैं टमाटो केचप अपने ऊपर, देखते हैं क्या होता है। ओ फो ये देखो कुचप एकदम। क्या हालत हो गई है मेरी। तो अब हम लोग गिराने वाले हैं सब्जी, देखते हैं क्या होता है। एक चम्मच सब्जी गई हमारी सफेद की। ओ माय गॉड ओहो। तो भाई अब गिरने वाली है गर्मा गर्म चाय। ओ इसका भी दाग लग गया। ओ माय गॉड। तो ये होता है नॉर्मल टी शर्ट के साथ। तो दोस्तों ये हालत हुई है मेरी नॉर्मल टी शर्ट के साथ, आप लोग देख लो धब्बे ही धब्बे। तो ऐसा करते हैं पहले इसे धो के ले आते हैं, देखते हैं कितने धब्बे रुके हैं, कितने चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने देखा जो हमारी नॉर्मल टी शर्ट थी वो लिक्विड को तुरंत एब्जॉर्ब कर ले रही थी, और देखो मैंने इसे धो के सुखा लिया है और यहाँ पे कुछ दाग धब्बे लग भी गए हैं। हालांकि मैंने तुरंत धो लिया था, फिर भी थोड़े बहुत दाग धब्बे लग गए हैं। तो ये होता है कुछ नॉर्मल टी शर्ट के साथ। ठीक है, आप क्या करते हैं अपनी महंगी टी शर्ट के साथ। तो फाइनली हम लोग चेक करने वाले हैं इस महंगी वाटर रिपेलेंट टी शर्ट के साथ, ये सब कुछ गिराने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी टेस्टिंग है, बिना धोए एकदम टी शर्ट पैकेट से निकाली है और टेस्टिंग करने जा रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार में काम कर जाएगी, लेकिन मेन टेस्टिंग तो होगी जब इसे धो के सुखा के वापस से चेक करेंगे, तब ये काम करेगी नहीं, मेन चीज़ तो वो है। तो सबसे पहले पानी के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं पानी लिया और इसके ऊपर डाला। ओहो ये देखो आपके सामने सारा पानी,
वाकई में रिपेल हो गया। अब की बार फ्रूटी के साथ, ठीक है? तो देखो फ्रूटी में डालने वाला हूँ। ओ फ्रूटी भी रिपेल हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत चिपक गई है ये। लेकिन इसे है हल्का झा दिया तो ये भी मैक्सिमम गिरी ही जा रही है। तो देखो यहाँ पर फ्रूटी की कुछ बूंदें चिपकी हुई हैं, ये देखो इसे ऐसे ऐसे करते तब जाके गिरी हैं। अब कोल्ड ड्रिंक के साथ, ठीक है? तो शर्ट में देखो मैंने डाला कोल्ड ड्रिंक और वाओ कुछ बूंदें जोर चिपक रही हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैक्सिमम आप लोग देख लो सब कुछ निकला जा रहा है। अब की बात चाय के साथ, ठीक है? तो भाई ये देखो चाय और सीधा आपके सामने वो चाय भी रिपेल हो गई, ये देखो। दोस्तों अब की बात टोमेटो सॉस, कुछ भी आ जाएंगे क्या होने वाला, लेकिन डाल के देखते हैं। और ये मैंने डाला सफेद टी शर्ट पे टोमेटो सॉस, क्या होगा? ओ तेरी की, ओ हो, ये कुछ ऐसा बन गया है। ओ हो, अभी मैं इसे पड़े रहने देता हूँ, उसके बाद साफ कपड़े से धो के पोंछता हूँ, ठीक है? बाकी की चीजें भी डाल के देखता हूँ। तो दोस्तों अब की बार ये चिली सॉस है, देखते हैं क्या होगा। तो भाई ये टी शर्ट में मैं डालने जाऊँ चिली सॉस, और भाई ये भी बह रहा है किस तरीके से, तो चिली सॉस तो इसमें चिपक चिपक के जा रहा है। तो अभी इसे गीले कपड़े से पानी डाल के पोंछूंगा, तभी मालूम चलेगा इसके बारे में। तो भाई अब की बार सोया सॉस, काला काला सॉस, देखते हैं क्या होगा। ओ भाई ये देखो कुछ बूंदे बन गई इसके ऊपर, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन रिपेल हुआ जा रहा है। दोस्तों अब बची है सब्जी, सब्जी डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये सब्जी गई चम्मच से मेरे टी शर्ट के ऊपर, ओ माय गॉड क्या होगा पता नहीं। अब मैं सबके ऊपर पानी डालता हूँ और साफ करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सब्जी का धब्बा लग गया अच्छा खासा, तो मैं इसे धुलवाने के लिए डाल के आता हूँ, ठीक है? देखता हूँ क्या एक भी दाग बचेगा या नहीं बचेगा। तो दोस्तों टर्म्स वाली टी शर्ट भी धो के सूख गई है, अब मैं आपको दिखाऊँ। हाँ ये देखो परफेक्ट, बढ़िया, एक नंबर। लेकिन 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 दोस्तों एक कमी रह गई यहाँ पे, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारे के सारे दाग छूट गए, लेकिन भाई सब्जी की हल्दी का दाग पता नहीं क्यों नहीं छूटा, और ये मेरी टर्म्स की 800 रुपए की टी शर्ट बर्बाद हो गई। अब ऐसा शायद ऑयल की वजह से हुआ है, ये वाटर रिपेलेंट तो है लेकिन ऑयल रिपेलेंट नहीं है, और ऑयल की वजह से ही हल्दी का दाग इसमें अच्छी तरीके से पकड़ गया है। तो चलिए धो के सूख गई है, अब इसमें वापस से वाटर वाली चीज़ें डाल के देखते हैं, वाटर बेस वाली। तो दोस्तों की बार मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक डाल के चेक कर रहा हूँ कि धोने के बाद ये वाकई में वाटर को रिपेल कर पाएगी या नहीं। तो धो के सूख चुकी है और ये गया कोल्ड ड्रिंक। तो एक मिनट, अब की बार इसकी क्षमता शायद थोड़ी कम हो गई है। जी हाँ, अब की बार इसने कोल्ड ड्रिंक को एब्जॉर्ब कर लिया, आप लोग खुद देख लो। अरे यार थोड़ी बहुत है, लेकिन पहले जितनी अब मुझे नहीं दिख रही है। हो लगे हाथ पानी भी डाल के देख ही लेते हैं। तो पानी तो रिपेल हो रहा है ठीक तरीके से। तो हाँ धोने के बाद काम तो कर रही है टी शर्ट, ये देखो मैंने काफ़ी पानी डाल लिया यार। दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी टर्म्स की वाटर रिपेलेंट टी शर्ट को बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में टेस्ट किया, और जो कुछ भी वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा, लिक्विड वाली चीज़ें तो आसानी से रिपेल हो गई, लेकिन जब बात सब्जी की आई तो इसमें दाग लग ही गया और हमारी टी शर्ट खराब हो ही गई। तो भाई इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ फर्स्ट वॉश के बाद मैंने पाया कि इसकी वाटर रिपेलेंट क्षमता में हल्की सी कमी हुई, बाकी जो कुछ भी अपडेट होगा मैं इसे यूज़ करते करते कमेंट में अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा देना, और अगर गलती से
अभी कभी भी इस महंगी टी शर्ट को लेते हैं तो सब्जी से बचा के रखना, ठीक है। बाय बाय।